प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11/8/2020, कक्षा 6, विषय हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पाठ 2, बचपन का शेष जो गृह कार्य है, जो प्रश्न रह गए थे वो हमें आज हल करने हैं। इसमें से प्रश्न 4 क्या है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से भी जो उनके प्रमुख फल थे उन फलों के नाम हमें लिखने हैं। तो कौन कौन सी चीजें थी, देखिए, लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल मजे लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रसबरी, कसमल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। इनके अलावा चना, जोर गरम चेस्ट नट भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 5, बचपन में किस बात की सख्त मनाही थी। भैया जी आप बताना, बचपन में किस बात की सख्त मनाही थी। ठीक कहा भैया ने, मोजे धोने की सख्त मनाही थी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने होते थे, उनको नौकर या नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। उनको अपने मोजे स्वयं धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी से उनको मोजे धुलाने की सख्त मनाही थी। आगामी धर्म में अगला प्रश्न, शिमला में शाम का दृश्य कैसा होता था। शिमला में शाम का दृश्य कैसा होता था, शाम होते ही चर्च की घंटियां बजने लगती। क्या था भैया मेनो, शाम होते ही चर्च की घंटियां बजने लगती, आकाश पर गुलाबी और सुनहरी धारियां फैलने लगती, दूर पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगता। दूर पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगता। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है, पाठों का शेष गृह कार्य है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी में सुंदर सुपाठ्य लेख में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।